इस मामले से जुड़े तीन आरोपियों को धर दबोचा है। कारोबार में घाटा और कर्ज का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। उस बच्चे को नशीली दवा देकर उसका अपहरण किया और उसे यूपी ले गए। उत्तर पश्चिम जिला के स्पेशल स्टाफ टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपहरण के मामले को सुलझाया गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम जिला के स्पेशल स्टाफ टीम के समक्ष एक अपहरण का मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया था। वहीं मैनुअल और टेक्निकल सर्वेलेंस के चलते स्पेशल स्टाफ की टीम में तैनात एक पुलिसकर्मी को इस मामले से जुड़े आरोपियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद तुरंत ही स्पेशल स्टाफ की टीम द्वारा ट्रैप लगाकर इस मामले से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान विक्रम और अतुल के रूप में हुई। और ये दोनों आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले हैं। वहीं जब पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की तो इन्होंने खुलासा किया कि नम्रता नाम की महिला भी इनके साथ शामिल थी। साथ ही जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा आरोपियों को धर दबोच अपहरण के मामले को सुलझाया गया। साथ ही जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने खुलासा किया कि पिछले कुछ सालों से कारोबार में घाटा और कर्ज का इनको सामना करना पड़ रहा था। पिछले दो महीने से वो किसी ऐसे बच्चे का अपहरण करने की योजना बना रहे थे जो उनके लिए आसान निशाना हो, जिसके चलते इन्होंने बच्चों की रैकी की और उन्हें नशीली दवा देकर उत्तर प्रदेश ले गए थे। वहीं पुलिस मामले की जांच करते वक्त एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई और दोनों आरोपी विक्रम और अतुल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बच्चे को छुड़ाया गया और 11 साल के इस बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। दरअसल उत्तर पश्चिमी जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने इस मामले से जुड़े तीन आरोपियों को धर दबोचा है। वही पुलिस ने जब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की तो इन्होंने खुलासा किया कि पिछले कुछ सालों से कारोबार में घाटा और कर्ज का इन्हें सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते इन्होंने अपहरण करने की योजना बनाई और एक 11 साल के बच्चे को निशाना बनाया और ये पिछले कुछ समय से उस 11 साल के बच्चे की रेखी करते हुए भी नजर आ रहे थे और मौका पाते ही इन आरोपियों ने उस बच्चे को नशीली दवा देकर उसका अपहरण किया और उसे यूपी ले गए। लेकिन पुलिस ने ट्रैप लगाया और मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के चलते इस मामले से जुड़े तीनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन 11 साल के बच्चे को इन आरोपियों के पास से छुड़ाकर पुलिस ने उसको सही सलामत परिवार को सौंप दिया है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।